मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। 15 महीने बाद फिर से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों को जीतकर प्रदेश में अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर फिर से सभी सीटें जीतकर सत्ता में लौटने की बात कहती हुई नजर आ रही है। उसी बीच आज रायसेन के ग्राम मेहगांव से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी फॉर एमपी के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस को हराने की अपील दोहराते हुए आम जनमानस से मास्क लगाने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा कई हितग्राहियों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो हमारे चेहरे से दूसरे के चेहरे तक उसका कोई भी कण नहीं जाना चाहिए। बार बार हम हाथ साबुन से धोते रहे, सैनिटाइजर से साफ करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, मैं भी मेरे बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करता हूँ, इस कोरोना को हराना है तो दूरी रखें और मास्क पहने रहें। इस कोरोना को हम पूरी तरह से आपके सहयोग से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मुझे बता दो, खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना कंट्रोल है। मध्य प्रदेश में कल ही अगर देखें तो 161 नए केस आए, लेकिन 300 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए। इंदौर जैसे शहर जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित थे, अब वहाँ हालत ये है कि कल 1000 सैंपल में केवल 6 पॉजिटिव आए।